गाइज आज की ये वीडियो होने वाली है कंपेयर वीडियो। कंपेयर करेंगे वीवो S12 Pro स्मार्टफोन का वन प्लस 9RT स्मार्टफोन से। तो जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल की सपोर्ट कीजिए। आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी और क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम इनके बिल्ड क्वालिटी की भी। वीवो S12 Pro की जो बिल्ड क्वालिटी की, फ्रंट और बैक दोनों में ग्लास मिलेगा और मेटल फ्रेम के साथ आने वाला है वीवो S12 Pro। वहीं वन प्लस 9RT के बिल्ड क्वालिटी में भी आपको फ्रंट और बैक दोनों में ग्लास मिलेगा और मेटल के फ्रेम के साथ आने वाला है। दोनों की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादातर सेम देखने को मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। डिज़ाइन की बात करें तो जो वीवो S12 Pro है वो नोच के साथ आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। वहीं बात की जाए वन प्लस 9RT के डिज़ाइन की तो यहाँ पर आपको पंच होल वाला कटआउट देखने को मिलने वाला है और पंच होल में आपको ओनली सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। यदि कंपेयर करें दोनों फ़ोनों के डिस्प्ले की तो वीवो S12 Pro के अंदर आपको कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 6.44 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले OLED होगी यहाँ पर और नोच के साथ, और यहाँ पर 409 पिक्सल डेंसिटी और 120 GHz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा HDR10 प्लस की सपोर्ट के साथ। वहीं बात करें वन प्लस 9RT की तो यहाँ पर 6.62 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, वो भी सैमसंग की E4, और 398 पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी और 120 GHz का हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको दोनों स्मार्टफोन के अंदर। दोनों स्मार्टफोन HDR10 प्लस की सपोर्ट के साथ आने वाला है। ओवरऑल बात करें दोनों फोनों के डिस्प्ले की तो डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, डिस्प्ले के मामले में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। अब कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे की तो ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप मिलेगा दोनों स्मार्टफोन के अंदर। वहीं बात करेंगे सबसे पहले वीवो S12 Pro की तो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलेगा। 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वो भी LED फ्लैश के साथ। अब बात करेंगे वन प्लस 9RT की तो यहाँ पर भी ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा आपको, 50 मेगापिक्सल का मैन, 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा डुअल LED फ्लैश के साथ। 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा सेटअप दोनों स्मार्टफोन के अंदर ऑसम मिलने वाला है। अब कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे को तो वीवो S12 Pro के अंदर नोच दी गई है, वहाँ पर डुअल कैमरा देखने को मिलेगा सेल्फी, 50 मेगापिक्सल का मैन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वहीं वन प्लस 9RT के अंदर आपको सिंगल पंच होल देखने को मिलेगा, सिंगल कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का स्क्रीन फ्लैश के साथ और फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल वीवो S12 Pro के अंदर कैमरा मॉड्यूल काफ़ी बेहतरीन मिलेगा सेल्फी में, क्योंकि यहाँ पर डुअल कैमरा दिया गया है। गाइस अब कंपेयर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को तो सबसे पहले बात करेंगे वीवो S12 Pro की तो यहाँ पर आपको मेटेक डेमेंसिटी 1200 की चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि बनी हुई होगी 6nm प्रोसेस पर और ये 5G प्रोसेसर होने वाला है। पावर एफिशिएंट होगी ये चिप। और बात करेंगे इसके CPU की तो ऑक्टाकोर CPU देखने को मिलेगा 64-bit वाला और यहाँ पर 3.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे वन प्लस 9RT की तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाली चिपसेट मिलेगी, जो कि बनी हुई होगी 6nm प्रोसेस पर और ये भी 5G होगी, पावर एफिशिएंट होगी। CPU में आपको ऑक्टाकोर CPU देखने को मिलेगा 64-bit वाला और यहाँ पर आपको 2.84 GHz की पीक क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी। अगर बात करें दोनों फ़ोनों के परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस आपको तकड़ी मिलेगी, परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। अब बात करेंगे इनके GPU की तो वीवो S12 Pro के अंदर माली G77MC9 ग्राफिक्स मिलेगी। वहीं बात करें वन प्लस 9RT के GPU की तो एडिनो 660 देखने को मिलेगी ग्राफिक्स इसमें, तो ग्राफिक्स के मामले में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। गाइस अब कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की तो बात करेंगे सबसे पहले वीवो S12 Pro की तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 44W फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, इनबॉक्स देखने को मिलेगा, USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए। वही वन प्लस 9RT की बात करें तो आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी और यहाँ पर आपको 65W फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है इनबॉक्स, और USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए। तो दोनों स्मार्टफोन में ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ओनली चार्जर का अंतर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इनके वेरिएंट की, दो वेरिएंट मांगेंगे दोनों स्मार्टफोन 8GB 128GB एंड 8GB 256GB। रैम टाइप में दोनों स्मार्टफोन में आपको LPDDR5 वर्जन देखने को मिलेगा और स्टोरेज टाइप में दोनों फ़ोन के अंदर UFS 3.1 वर्जन देखने को मिलने वाला है। अब बात करेंगे इनमें सिम स्लॉट की तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलेंगे, वो भी 5G नेटवर्क के। गाइस यदि बात की जाए दोनों फोनों के साउंड क्वालिटी की तो दोनों के अंदर डुअल स्पीकर देखने को मिलेंगे, वो भी डॉल्बी एटमॉस साउंड क्वालिटी के साथ।
अब कंपेयर करते हैं दोनों फोनों में सिक्योरिटी की। तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको सिक्योरिटी के तौर पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, वीवो एस 12 प्रो के अंदर भी और वन प्लस 9 आर के अंदर भी। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी के तौर पर। अब कंपेयर की बारी है दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो वीवो एस 12 प्रो के अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिलेगा, ओरिजिन ओएस ओसन के साथ आने वाला है वीवो एस 12 प्रो। वही वन प्लस 9 आर टी के अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 देखने को मिलेगा और कलर ओएस 12 के साथ आने वाला है वन प्लस 9 आर टी। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के थिकनेस की। तो ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, वन प्लस 9 आर टी 8.2 एमएम की थिकनेस के साथ आएगा और वीवो एस 12 प्रो 8.3 एमएम की थिकनेस के साथ आने वाला है। अदर कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.2 वर्जन देखने को मिलेगा। यदि कंपेयर की जाए दोनों स्मार्टफोन के वेट की तो यहाँ पर आपको वीवो एस 12 प्रो के अंदर 194 ग्राम वेट देखने को मिलेगा और वही वन प्लस 9 आर टी के अंदर 198.5 ग्राम वेट देखने को मिलने वाला है। ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, दोनों स्मार्टफोन NFC सपोर्टेड होने वाले हैं। गाइज आप कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन के लॉन्चिंग डेट की। तो वीवो एस 12 प्रो इस मंथ के एंड तक आएगा यानी कि दिसंबर के एंड तक, और वही वन प्लस 9 आर टी के लॉन्चिंग डेट की बात करें तो पहले ये लॉन्च होने वाला था 16 दिसंबर को, लेकिन अब ये डिले होगा शायद, और अब ये भी लॉन्च किया जाएगा दिसंबर के एंड में क्योंकि अभी तक एक्सपेक्टेड नहीं हो पाई है इसकी डेट। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइसिंग की। तो वीवो एस 12 प्रो के जो एक्सपेक्टेड प्राइस होंगे अराउंड 35,000, वही वन प्लस 9 आर टी के प्राइस होंगे एक्सपेक्टेड 39,000। सो गाइज ये थी वन प्लस 9 आर टी वर्सेस वीवो एस 12 प्रो की कंपेयर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।